और 10-20 कदम कुटिया से चले, जंगल से एक आवाज आती, उसी आवाज का पीछा करते राजा नल सल पड़ते। नल दिया चाल ना किया ख्याल ले, डाट जाल सूखी छोटी रानी। जाक देखा जंगल में नजारा तो आंखें फटी रह जाती। जंगल में एक भीषण आग लगी हुई और आग के बीच में एक अजगर पड़ा। छा गई उदासी तन में, देख घबरा गया, डर गया मन में, रही पन में लागे किसी तेज आगे। एक जड़े था नाग, बोलिया मीठी बानी सूती छोटी रानी। एक बद राजा नल चालिया, फिर मुंह फेर के चाल पड़ा। और जैसे ही मुखड़ा फेर के चलिया, वो अजगर आवाज देता, राजन करिए कुछ तदबीर, आके बंधा दिए मेरी धीर। मेरा शरीर जड़े या अगन बड़े, मत दूर टड़े तन चाहिए दयानी सूती छोटी रानी। निवलेरे मेरा जी करे तन बचाऊं, पर मेरे उल्टे लाग रहे, मैं सोने का भी हाथ लाऊं माटी बन गया से। अरे तेरे अंदर जहर रहता, मैं तन बचाऊंगा तू मन डस लेगा। निवला भाई राजा नल, तू गिनती के 10 कदम मेरे को यहां से इस आग से बाहर निकाल दे, वो फिर मैं आप चला जाऊंगा। और मेरा वचन है तेरे से, जब तक तू अपने आप नहीं कह मन डस, तो मैं डसूंगा नहीं। दया भूप ने करके ठा लिया विशेर कोड़ी भर के, डंग धर के 10 कह्या उतरो बस, लिया फौरन 10 पड़ गई व्यप्ता ठाणी सूती छोड़ी रहा। उस अजगर ने ठाकर गिनती करे था कदमों की, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 कहन लग्या। कलयुग का प्रवेश बुद्धि में था, 10 की जगह मुंह से लिकड़ा दंश। दंश का अर्थ होता है डसना, मुंह तो दंश लिकड़ा। उस विशेर ने माध्यम डंक मारे, 10 का हाथ से लिकड़ा दंश कहते, उसने माध्यम डंक मारे। नाक के डसने से आदमी मर गया, काला शरीर हो गया, छाले पड़ गए, पर राजा नल के साथ एक भी काम नहीं हुआ। जैसे ही नाग ने डसा, राजा नल का कद घट गया, बावना हो गया, और काला हो गया, और कुरूप हो गया। राजा नल एकदम लखा नहीं हो रहे, अरे चुलम करया, वो एक काम करया जिस काम ने डर था। समय निकट गया, पछताऊ मेरी कुछ पेश चले ना, मिलकर दगा करने वाले ने कदे सुफल मिले ना। जिस पर बिगड़े नजर कलू की, फिर कुछ घाट के हल्का लेना। अरे मिलकर दगा करने वाले ने कदे सुफल मिले ना। दे दिया शराब मने तने, हो सभी मारने वाले, ओहनी बनी ओहन की खातिर से 300 तीर चला। सतयुग की कथा ऐसा कहते कि जब तक सांप ने कोई मारिया नहीं करता, यहाँ राजा नल ने श्राप दिया है, अरे आज के बाद सर्प योनि से को प्रेम नहीं करेगा, जो भी देखेगा तो मारन बाजेगा। और जैसे ही ये श्राप दिया, वो अजगरे का दम दे धार लेता। राजा नल भी उल्टा हटिया, निवलारियो के तमाशा से, कौन हे महाराज? मेरा नाम विद्याधर है। कौन विद्याधर? मैं कभी देवलोक में देवताओं के साथ रहा करता था। एक रोज मेरी नीति फ्री मन अफसराओं को तकिया, तो वहां श्राप मिला मेरे को देवताओं का, तो सर्प योनि मेरे को यहाँ भोगनी पड़ी। और मैंने देवताओं से पूछा था कि भाई मेरा कदियो श्राप टलेगा, तो देवताओं ने कहा था कभी विपता का मारा राजा नल आओगा, उसको तेरी जरूरत होगी, तन्ने उसकी जरूरत होगी। राम तन्ने तो मेरी जरूरत हो, मन न की जरूरत हो। अरे मेरा सोने के समान सुंदर शरीर थर के नाश कर। बोला दया करी महाराज, आज तने जलता हुआ बचा दिया, अरे बोलू ना एहसान तेरा, तने बार आग दिला दिया। पर महाराज विशेर मतना समझ, मन में खास तेरा हितकारी सू, शराब के कारण सर्प बनया, मैं ओट रहा दुख भारी सू, मैं विद्याधर ब्रह्मचारी सू, तना हटकर मनुष्य बना दिया, बोलू ना एहसान तेरा, तने बार आग दिला दिया। अरे और सुन, तेरी बुद्धि में कलयुग का प्रवेश था, जिससे तू एक भी फैसला ठीक नहीं ले पाओ था, मना डंक मार के तेरा कलयुग भूक दिया, इब तू जो भी फैसला लेगा वो ठीक लेगा। दया करी जो तने मेरे पर बदला दिया उतार मने, तेरे तन में कलयुग छुट गया था, डंक मार करया बार मने, करया तेरा उद्धार मने, यो अपना प्रण पुगा दिया, वो नुना एहसान तेरा, तने बार आग दिला दिया। निवला रहे कलयुग फूक दिया, वाह भी मान लू, अरे मैं इतना खूबसूरत था, मैं बावना हो गया, काला हो गया, कुरूप हो गया, इसी में भलाई है। क्या थे जहां तेरा राज था, आज वहां पुष्कर का अधिकार, पुष्कर का फरमान। नल दमयंती बच्चों से जो बात कर तप आ गया, जन्म बच्चा को लुमा का पिड़ेगा, उसके डर से तने कौन नौकरी देगा? तेरा रूप बदल दिया, तू कितना भी जाकर कमा खा लिया, तेने को पहचान नहीं आए बोले। अर्जा यहाँ एक मंत्र दिया कि कभी तू ईश्वर का ध्यान करना, कभी तेरा समय पलटेगा तो नहा धोकर परमात्मा का भजन कर, तो एक माला 108 बार इस मंत्र का उच्चारण कर देना, राजा नल वापिस अपने उसी रूप में आ जाएगा। निवला इब्बा करूंगा, निवला इब करे दिशा भूंडा मुंह क्या न करूंगा तेरा।
न्यू कैन्यू ना कौन नौकरी देगा, काला हो गया शरीर तेरा तू भेद बाद में जानेगा, तेरी हो जा सवर्ण के सिकाया जिस दिन मन में ठानेगा, ना तो तने पहचानेगा तेरा असली रूप छुपा दिया, बोलू ना एहसान तेरा तने बाहर हाथ लिया गया। राजा नल का सारी बात समझ माओ क्यों वो कलयुग लिखड़ गया, अरे हाथ जोड़ के खड़ा होगा नहीं बोला भाई सत्य है, पर जिसने इतना बेरा उसने न्यू भी बेरा समझ कड़े जाओ तू बताओगा उड़े जाऊंगा नहीं बोला सीधा रास्ता अवधपुरी को जाता है, वहां अवधपुरी में राजा ऋतुपर्ण का राज, वहां जाकर अपना नाम बदल लिए और उड़ल काम करने लग जाइए, समय फिरेगा त्राउड़े तो फिर जाएगा। वो तो राजा ऋतुपर्ण का पहुंच गया दरबार लगया हुआ नाट्य कद का काला कुरु, राजा ऋतुपर्ण ने खेल दिखाणिया सो ने बोला महाराज नहीं और क्या करना है, हे महाराज मेरा नाम बाहुक, राजा नल ने अपना नाम बाहुक बताया, कौन बाहुक, बाहुक राजा नल के गढ़वाले का नाम हुआ करता था जो बड़ा प्रसिद्ध गढ़वाला था, हे महाराज में राजा नल का गढ़वाला हुआ करता था, वहां राजा नल का राज नष्ट हो गया, नल दमयंती बच्चों को निकाल दिया, मेरा जी नहीं लग गया मैं भी छोड़ गया, ऋतुपर्ण दिखाया निबला तू सब बाहुक निबला महाराज मैं निबला फिर किससे इंटरव्यू की जरूरत नहीं, तुम वो काम जो उड़ कर करता वो अड़क कर लिए, उड़ गढ़वाला लाग गया और उधर दूसरी तरफ दिन लकड़ा और दमयंती सूती उठी और उठ के देखे राजा नल दिखाई नहीं दिए, सूती उठ के देखन लागी हूर भीम की जाई, कटी साड़ी देखी दो पेड़पति की पाई, उन्हीं पड़ों पड़ों जंगल में उनकी उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती, कैसे चली क्या दशा, सरदी लगे सरद पड़ा
जा मैं ये हो।